तमाम पत्रकारों का जो सवाल है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो यात्रा में व्यवधान डालने का, आतंकी कार्रवाई को अंजाम देने का जिन लोगों का जो हाथ और वो बताया जा रहा है वो पकड़े गए हैं, उनका संबंध जो भाजपा के माइनॉरिटी मोर्चे से बताया जा रहा है, तो मैं कह देना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति को इस आरोप में पकड़ा गया है, पहले तो उन व्यक्ति का पता लगाया जाए केंद्र सरकार द्वारा, माननीय गृह मंत्री जी द्वारा। मैं चाहता हूं कि इस व्यक्ति को किसने रिकमेंड किया था, उस पदाधिकारी को दंडित किया जाए। और ऐसे जो लोग हैं गवर्नमेंट मुलाजिम, मैं सुन रहा हूं, ज्ञात हो रहा है कि माइनॉरिटी मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष है खुद गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, जबकि पार्टी का संविधान है कि जो गवर्नमेंट का मुलाजिम होगा वो पार्टी में कार्यरत नहीं होगा, संवैधानिक पार्टी का पद नहीं दिया जाएगा उसको। तो माइनॉरिटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। इस प्रकार के अगर आतंकी कार्रवाई करने वाले आतंकवादी अगर पार्टी में शामिल होंगे तो आज दिल्ली से इतने केंद्रीय मंत्री जाते हैं, ये आसानी से उन्हें आतंकवाद का शिकार कर सकते हैं, आतंकवादी उन्हें अपना निशाना बना सकते हैं। यह बहुत गंभीर मसला है। और मैं कह देना चाहता हूं, बार बार कहता हूं कि बहुत से ऐसे आतंकी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं जो राजनीतिक पार्टियों के भिन्न भिन्न दलों में रुख कर रहे हैं और पहले भी पकड़े गए हैं। तो जितने भी रैली में नए नए वर्कर घुस रहे हैं उनकी पुलिस वेरिफिकेशन होनी चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा खतरा हमारे केंद्रीय मंत्रियों को हो जाएगा। लगातार केंद्रीय मंत्री वहां के दौरे पर जाते हैं, इस तरह कार्यकर्ता बनकर ये आतंकी हमला कर सकते हैं, उनको मौत के घाट उतार सकते हैं, उन्हें शहीद कर सकते हैं। तो माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी, मैं आपसे चाहता हूं कि प्रत्येक कार्यकर्ता की जो कश्मीर वैली में है उनकी जांच होनी चाहिए, उनका बैकग्राउंड की जांच होनी चाहिए। यह बहुत गंभीर मसला है। अगर अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमला हुआ होता तो देश में एक जलजला आ जाता। यह बहुत गंभीर मसला है। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए, उनकी सीआईडी वेरिफिकेशन, सीबीआई से वेरिफिकेशन होनी चाहिए कि उनका बैकग्राउंड क्या है, और संदिग्ध व्यक्तियों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना जाना चाहिए। और प्रदेश अध्यक्ष जो